हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं सॉल्टेड पॉपकॉर्न बनाती हूँ। सॉल्टेड पॉपकॉर्न जो डैडी वाले के पास मिलता है, वो घर में आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ड्राई भुट्टा लिया, जो कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कढ़ाई में मैंने नमक गर्म करने के लिए रख दिया। यस, ये नमक है, क्योंकि ये कई बार यूज होने के बाद इस तरह से इसका रंग बेचारा काला हो गया। इसको अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। नमक मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसे अच्छी तरह से कढ़ाई के चारों तरफ फैला देते हैं और थोड़ी सी भुट्टा लेके इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। कढ़ाई को कवर कर देंगे। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और इंतजार करना है बूम बस्टिंग का। भुट्टा पॉप होना शुरू हो गया। कितना प्यारा लग रहा है बाहर से इसको देखने में। कढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा गैस बन रही है, तो लीड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। फर्स्ट बैच का सारा कॉर्न मेरा पॉप हो गया, इसे सेपरेट कर लेते हैं। गैस में बंद कर दिया। अभी छन्नी से नमक को सेपरेट करके कॉर्न को अलग कर लेते हैं। दूसरे बैच के लिए नमक को थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ और थोड़ा सा कॉर्न फिर से डाल देती हूँ। कढ़ाई को ढक देती हूँ और गैस को ऑन करके लो फ्लेम पे इसे रखती हूँ। सेकेंड बैच का कॉर्न भी बहुत अच्छी तरह से पॉप हो रही है। ये लास्ट बैच भी मेरा हो गया, इसको भी निकाल लेती हूँ। जब भी पॉपकॉर्न बनाए, घर के जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके बनाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन इसे रखने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। होममेड पॉपकॉर्न बनके तैयार है। इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के अपने एक दो दिन में आराम से खा सकते हैं, या तो चाहे अभी खा सकते हैं, इसको प्लेन भी खा सकते हैं, या तो चाट बना के भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियो। अपने आप को सुरक्षित रखिए कोविड 19 से एंड हैव ए गुड डे।